अब क्या कर रहे हैं देखो जरा, सूरज भगवान जी की किरणें पड़ रही है मेरे फेस पे, कितना अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग बेटे। सामने का व्यू कुछ इस तरीके से है। वो कल एसी की सर्विसिंग करवाई थी ना, तो स्टैंड अभी यहीं पे है, क्योंकि आज फैन सही करवाना है। आज मतलब जब भी करवाना होगा, वरना इसे बाहर रख देंगे, फिर जब फैन वाला आएगा फिर अंदर रखना पड़ेगा। तो और मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरीके से है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। थैंक्स दी। थैंक तो थैंक्स बोल दी। The next day. गैस ऐसे धब 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 क्यों कर रही है यार? मुझे लग रहा सिलेंडर खत्म हो गया, शायद हो रहा है। धब 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 कर रही है गैस, वो एकदम एंड में है। हे गाइस, मैं दीक्षा आप लोगों का भूपिक्षा व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से, और आज बहुत ही अमेजिंग डे है मेरे लिए, क्योंकि लाइफ में पहली बार मुझे किसी ब्रांड से कोलैब आया है। मतलब मुझे वहां से ड्रेस भेजी गई है, उसका मुझे ऐड करना है। तो गाइस यार मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे साथ ये हुआ है। अब मुझे आइडिया भी नहीं है कि कैसे वीडियो बनाता है, कैसे रील बनाता है। और जो ड्रेस आई है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ही सिलेक्ट करके भेज दो, हम वही आपको भेजेंगे। तो यार जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों को एक साथ जरूर शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ। और आज है वेडनेसडे, हस्बैंड जी अभी बैंक से आ जाएंगे थोड़ी देर में। ब्रूनो वहाँ खेल के थक हार कर बैठ गया है। ब्रूनो अभी मैंने क्या क्या तैयारी कर दी है शाम की दिखाती हूँ। इसमें आलू बॉईल कर दिए हैं, और इसमें मैंने यहाँ पे प्याज कट कर दिया है, लहसुन, ये सारी चीज़ें कट कर दी हैं। तो मैं आज बनाऊँगी जीरा आलू, और साथ में आटा मैंने यहाँ पे गूंथ के रख दिया है। और पानी में इस बॉटल में ना दिन के 5 बॉटल पी जाती हूँ। कल हस्बैंड जी यहाँ पे फ्रूट्स लेके आए थे तो ऐसे रखे हुए हैं, अभी फ्रिज में नहीं रखे हैं। दाल है दिन की, फ्रिज में रख दी है। अब मैं इसके पीछे की स्टोरी बता देती हूँ। तो गाइस सीन पता क्या हुआ था आज, हस्बैंड जी मतलब जैसे हमारी ना बाइक ख़राब हो रही है एक दिन से, तो हस्बैंड जी ना सोचा कि मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी बाइक। बाइक स्टार्ट हो गई थी, मतलब कल ख़राब हुई थी, आज बाइक स्टार्ट हो गई थी। तो वो सर्विस जो बाइक का शोरूम है वहाँ पर छोड़ने के लिए चले गए, और बाइक से गए बैंक। और क्या करा इन्होंने, उसमें टिफिन को हैंग किया होगा, लंच बॉक्स शोरूम में ही भूल के चले गए और पहुँच गए बैंक। और फिर मुझसे कह रहे यार मैं तो लंच बॉक्स वहीं भूल के रख गया, वहीं भूल के चला गया। फिर उन्होंने किसी से मतलब फिर हस्बैंड जी ने किससे बोला होगा, उन्होंने लंच बॉक्स को घर पहुंचा दिया था। और मैंने बोला कि अब आप क्या खाओगे तुम्हारे वाला बैंक में। फिर मैं 2 पराठे भेजे हुए थे दूसरे टिफिन में, तो वो 2 पराठे बीटरूट वाले वो खाए, और तभी वो दाल बची हुई है। तो आज हम अब रात को खाएंगे, क्योंकि खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पता है मुझे ना सबसे वो लगता है कि खाना वेस्ट करना सबसे गंदा लगता है, तो इसलिए हमारे घर में कभी भी खाना वेस्ट नहीं होता है। तो मतलब बनाओ, अच्छा बनाओ, अगर मतलब मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए। जिन बेचारों को खाना नसीब नहीं होता है उनसे खाने की वैल्यू पूछी जाए तो उनको पता होती है ना, इसलिए खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे भजन भी सुन रही हूँ साथ में। तैयार हो चुके हैं, और दाल तो थी सुबह की, रोटी भी बना दी है मैंने। मेरे हस्बैंड जी का ना कॉल आया था, बोल रहे थे कि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना तैयार रखना। बट मैं उनसे बोलूँगी कि यार गैस तो ख़त्म हो गई थी, पर मैं कैसे बनाती खाना। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों भौंक रहे? गलती खत्म हो गई। बैगन क्या भर के लाया आज है? बैगन क्या भर के लाया? चप्पल, 2 चप्पल। मेरा मेरे लिए कुछ लेके आया, और एक दो सॉक्स खा लेना मैंने। देखो उसमें आज तो भूखा भी रह गया। बताओ आपकी कितनी बड़ी गलती है, यहाँ से मुझे तो गुस्सा भी नहीं आएगा, मैंने मतलब इतने प्यार से खाना बनाया आपके लिए। बाप रे कैसा लाल हो गया, इसमें बुरा प्लस आना पड़ेगा तब सही होगा, ऐसा जलन तो नहीं हो ना। पहले इसको दिखाओ, ये तो काटेगा, दिखाओ इसको। अच्छा अच्छा लग रहा है, ये तो टाइट है। क्या कर रहे हो अभी? रह झूठ कर दी ना मत।
खाना बन गया बेबी, आपके लिए खाना तैयार है। तुम्हें से मजाक कर रही थी, मेरा ऑफिस ऑफिस में दिमाग बहुत खराब रहता है, तुम और खराब कर रही है दिमाग। गुलकुंड भी आ रही है। अब तू कहां आ रहा है मुन्नी? कितनी जल्दी आया ये? आज लगता है तू पहले खाना खा ले, पापा को बता दे। भगवान भी आपके साथ है। और सामने चल रहा है आईपीएल। The next day. ये पराठे किसके निकलवाए? आज बहुत स्पेशल पराठा। कौन से है तो बता दो। देखो उसे खा। मुझे अजीब सा हो गया तो? हाँ अजीब सा, जहर खिला रही ना, देखो फिर बता। क्लासिक सर, उधर पराठे से कुछ अलग लग रहे हैं। जो सही था ना? कैसे कैसे चल रहा? अच्छा ना? उधर सब अच्छा लगेगा। अच्छा ना? अच्छा अलग टाइप के पत्नी होते मेरी जैसे एकदम। प्याज टमाटर को मिक्सिंग पहले फ्राई किया, फिर मिक्सर पीस दिया। अरे वाह, फिर साटा कर दिया। मेरे दिमाग के सारे पर बादाम खाली हुए, उसके लिए सारे गए। प्रेगनेंसी का आज ये तो मेले में आया क्या? हाँ तो भैया मैंने एक भिटोली आपके लिए मंगाई है ना। हट तो नहीं, उधर जा, तू उधर जा, मामू उधर जा। कपड़ा कैसा लग रहा है? ये कपड़ा तो अच्छा है ना इसका, प्योर कपड़ा, इतना अच्छा है, कॉटन एकदम ना सूखने वाला। गर्म नहीं होगा बट इसमें? इसमें गर्म थोड़ा होगा, इसमें तो बढ़िया होगी क्या? पसीना सोख लेगा। नहीं मुझे लगा था आज आप पार्टी में जाओ। थोड़ा इधर इसका गाइस, यहाँ पे ना एसी की हवा नहीं आ पा रही क्योंकि पंखा भी सही नहीं हुआ है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बेड को थोड़ा इधर को खिसका है, बट ऐसे खिसका ना ताकि आपके कमर में झटका ना लगे। रुना है चश्मा देवी ने, एक तो वैसे इतना भारी हो रहा है बेड, वो अकेले पापा इधर कर रहे हैं, और इसको देखो ये भैंस 40 किलो का बैठा हुआ है। उठे मजा आ रहा है ना इसको उसमें कूदने में। खत्म करके अभी ब्लॉग का एडिट भी करना है, अब ब्रूनो को नींद नहीं आ रही है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर महादेव, जय भगवती माँ की जय।